नमस्कार। हमारे YouTube चैनल चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग बच्चों की ही डिमांड पर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आए हैं, जो प्रायः एक जगह संग्रहित रूप में यह टॉपिक नहीं मिलता है, जैसे शिक्षा की प्रमुख भारतीय परिभाषा। यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है, जैसे विशेष रूप से जो हमारे नेट JRF के बच्चे हैं एजुकेशन सब्जेक्ट से, या फिर आपके PGT के सब्जेक्ट के हैं बच्चे, BEd कर रहे हैं, MEd कर रहे हैं, MPhil कर रहे हैं, शिक्षा विषय से जो संबंधित बच्चे हैं, तो सब्जेक्ट से संबंधित जो बच्चे हैं, तो इनके लिए लगभग अलग अलग एक इसी पुस्तकों में एक साथ लगभग भारतीय एवं पाश्चात्य परिभाषाएँ दे दी जाती हैं। लेकिन दिक्कत है, और साथ ही साथ कहीं पर कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं की इंग्लिश डिफिनीशन ने दिया है, तो वह इंग्लिश के बच्चों को बहुत परेशान करता है। तो हम लोगों ने इसमें आपकी इन सभी समस्याओं को विचार करते हुए इस हफ्ते शिक्षा के संबंधित प्रमुख मतलब प्रमुख परिभाषाएं एवं स्टेटमेंट यानी कथनों के ऊपर वीडियो को समर्पित करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इस हफ्ते आप हमारे सारे वीडियो को ध्यान से देखेंगे और शिक्षा के संबंधित प्रमुख भारतीय भाषाएं जो लगभग वीडियोज के रूप में चाहे यूट्यूब पर चाहे अन्य जगहों पर लगभग एक जगह अति महत्वपूर्ण परिभाषाएं आपको नहीं मिलती हैं। तो आइए, ये ज़्यादा लेट न करते हुए, ये हमारे इन इन बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और चूंकि हमारे BTC के बच्चों के आगामी एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, BEd के भी बच्चों के, तो उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, जहाँ लिखने की जरूरत होगी वहाँ के लिए भी, और साथ ही साथ जो ऑब्जेक्टिव पूछता है कि यह परिभाषा किसकी है, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज का जो टॉपिक है शिक्षा की प्रमुख भारतीय परिभाषाएं, तो आज हमने परिभाषाओं को भारतीय संदर्भ से देखने की कोशिश की। तो आइए हम लोग ज्यादा लेट न करते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं। इसमें परिभाषाओं के साथ जो महत्वपूर्ण कथन है उनको शामिल किया गया है, और आगे चल के जो अति महत्वपूर्ण शिक्षा से ही संबंधित बहुत महत्वपूर्ण कथन है उनको भी हम लोग अपने आगामी वीडियोस में शामिल करेंगे। तो आइए हम लोग चालू करते हैं। सा विद्या या विमुक्त है, शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाती है, यह महत्वपूर्ण कथन किसका है? यह है आपका, आपको बताना है सा विद्या या विमुक्त है, यह शिक्षा विषय प्रमुख कथन किसका है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बहुत बार पूछा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है, तो ये आपका शंकराचार्य जी का है। अब आते हैं हम लोग दूसरे स्टेटमेंट की तरफ। विद्या विलास मनसो घृत शील शिक्षा, अर्थात फिर से मैं इसका वाचन कर दे रहा हूँ। विद्या विलास मनसो धृतशील शिक्षा, अर्थात विद्या में विलास करने वाले मन का निर्माण करना ही शिक्षा है, यह प्रसिद्ध कथन संबंधित है। बताना है आपको यह प्रसिद्ध कथन किसका संबंधित है, तो यह है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित है यह महत्वपूर्ण कथन। आइए अब हम लोग अगले परिभाषा की तरफ जाते हैं। उम्मीद है इस परिभाषा से आप सभी परिचित होंगे। लगभग भारतीय संदर्भ में दो परिभाषाएं सबसे ज्यादा बार पूछा हुआ है, एक तो ये वाली परिभाषा पूछी जाती है, दूसरा महात्मा गांधी जी की परिभाषा पूछी जाती है। तो आपको बताना है किसका है। मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन, यह कथन संबंधित है। आपको बताना है कि यह कथन किसका है। जी हाँ, यह कथन स्वामी विवेकानंद जी का है। अब आते हैं हम लोग अगली परिभाषा की तरफ, जिससे लगभग हम सभी शिक्षा शास्त्र के विषय से संबंधित जो सभी छात्र हैं इसे अवश्य परिचित होंगे। तो आइए देखते हैं ये बताना है किसका है। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर मन और आत्मा के सर्वांगीण और सर्वोत्कृष्ट विकास से है, यह परिभाषा किसकी है, यह आपको बताना है मुझे। By education, I mean an all-round drawing out the best in child and man, body, mind and spirit, शिक्षा विषय यह परिभाषा है। जैसा कि हमने कहा
तो बहुत सी चीज़ों का जो महत्वपूर्ण परिभाषा उनकी इंग्लिश नहीं मिलती है, तो हमने इनमें से कुछ परिभाषाओं के इंग्लिश वर्जन को परिभाषाओं के रूप में डिफिनेशंस को आपके सामने लाया, ताकि हमारे जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वह भी इसे एक जगह आपको संग्रहित किया है, जिसे आप नोट कर सकते हैं या बार बार हमारे वीडियो को देख कर याद कर सकते हैं। तो शिक्षा विषय क्या परिभाषा है, जैसा कि हम सभी जानते हैं यह परिभाषा है महात्मा गांधी। आइए अब हम लोग अगले तरफ चलते हैं। यह भी बहुत बार पूछा हुआ आपका एग्जाम में परिभाषा है, आपको बताना है। सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमें सूचनाएं ही नहीं देती, वरन हमारे जीवन और संपूर्ण सृष्टि में एक रास्ता पैदा करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, आपको बताना किसका है। आइए इसको पढ़ते हैं। द हाइएस्ट एजुकेशन इज दैट विच डज नॉट मेरली गिव अस इंफॉर्मेशन बट मेक्स आवर लाइफ्स इन हार्मोनी विद आवर एग्जिस्टेंस। यह बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, लगभग हमारे बीटीसी के बच्चों को, बीएड के बच्चों में बार बार आ जाता है, एमएड के एंट्रेंस एग्जाम में, नेट जीआरएफ एजुकेशन के एग्जाम में लगभग इनमें से परिभाषाएं पूछी जाती हैं। तो एक तो आपको याद करना है, दूसरा हमारे एक वीडियो एक ही जगह हमने संग्रहित कर दिया है अति महत्वपूर्ण परिभाषाओं को, तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि यह किसकी परिभाषा है। जी हाँ, यह रविंद्रनाथ टैगोर जी की परिभाषा है। अभी पिछले ईयर बीटीसी के बच्चों में भी यह परिभाषा पूछी हुई है, यह कि थोड़ा सा घुमा दिया है कि वहाँ पर क्या सूचनाओं से संबंधित नहीं मानते हैं प्रश्नों को, लेकिन परिभाषा मूल रूप से यही है, आपको इसको देखना है। चलिए अब हम लोग आते हैं अगली परिभाषा की तरफ। किसके अनुसार वास्तविक जीवन व सच्ची शिक्षा वह है जो बालक के सुसुप्त शक्तियों को उद्बोध करे अर्थात जगाए। तो वास्तविक जीवन व सच्ची शिक्षा वह है जो बालक की सुसुप्त शक्तियों को उद्बोध करे। तो यह आपको बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, किसकी है, स्टेटमेंट है महर्षि अरविंद घोष का। तो उनका भी अगर विचार पूछता है तो आप इसे संक्षिप्त रूप में यहाँ पर आप उद्धृत कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला जो आपका परिभाषा है थोड़ा लंबा कथन है, ये आपको बताना है कि हमारे किस भारती मनीषी का है। शिक्षा का उद्देश्य देश के नवयुवकों को भावी जीवन के लिए तैयार करना है, किंतु जीवन की परिस्थिति में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, अतएव नवयुवकों की शिक्षा भी स्थिर जीवन दर्शन पर आधारित नहीं हो सकती। इनका अंतिम लाइन ही सबसे महत्वपूर्ण है, प्रायः पूछा जाता है। परिवर्तनशील जगत की आवश्यकता पूरी करने के लिए शिक्षा को गत्यात्मक बनाना पड़ेगा, यही अंतिम लाइन ही सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि यह शिक्षा विषय परिभाषा या कथन किसका है। तो आप बताएं किसका है, यह है आचार्य नरेंद्र देव जी का, ये विचार शिक्षा संबंधित आचार्य नरेंद्र जी के हैं। अब आते हैं हम लोग अगले महत्वपूर्ण आपके परिभाषा की तरफ। शिक्षा सूचना प्रदान करने एवं कौशल प्रशिक्षण देने तक ही सीमित नहीं है, इसे शिक्षित व्यक्ति को मूल्य प्रदान करना है। ये इनके बड़े स्टेटमेंट में से छोटा सा स्टेटमेंट है, और प्रथम लाइन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लाइनों में आती है शिक्षा के, जो पूछा जाता है आपको बताना है कि किस महत्वपूर्ण व्यक्ति की यह परिभाषा है या महत्वपूर्ण कथन है आपको बताना है। यह है आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। तो उम्मीद करते हैं कि महान मनुष्यों की परिभाषाओं को, कथनों को, स्टेटमेंट्स को हम लोगों ने एक जगह संग्रहित किया है, जो कि लगभग बहुत मुश्किल से मिलता है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा यह प्रयास, चूंकि हम हमेशा नया नया प्रयास करते हैं आपको नए नए तरीके से बताने का, तो क्या करते हैं आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। उम्मीद करते हैं आप इसे बहुत लाभान्वित होने वाले हैं इन फ्यूचर। अपने मित्रों को भी बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिएगा। आइए अब हम अगले उस पर आपके प्रकरण पर चलते हैं। शिक्षा इतनी बहुत ही महत्वपूर्ण आपको परिभाषा है, ये आपका स्टेटमेंट है। शिक्षा इतनी सहज और स्वाभाविक होनी चाहिए कि न तो विद्यार्थी को यह ज्ञान हो कि
उसे शिक्षा मिल रही है और न शिक्षक यह समझे कि वह शिक्षा दे रहा है। सोचिए इतनी महत्वपूर्ण बात किस मनीषी ने कहा होगा। भारती आपका बताना है, फटाफट बताइए। जी हाँ, यह आचार्य विनोबा भावे जी ने कहा, यह विचार उनके आचार्य विनोबा भावे जी के। आइए अब हम लोग अगले आपका परिभाषा प्रथम की तरफ चलते हैं। जो आदमी को योग्य न बनाए, समानता और नैतिकता न सिखाए, वह सच्ची शिक्षा नहीं है। इनके लंबे प्रकरण है, उसमें हम लोगों ने शॉर्ट में कर दिया है, जो महत्वपूर्ण लाइन है उसी को चूज किया है। सच्ची शिक्षा समाज में जीवन का सृजन करती है, यह आपको बताना है कि यह शिक्षा विषयक कथन किसका है। उम्मीद करते हैं कि आप बता लेंगे, बताइए किसका है। जी ये है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा यह प्रयास, चूंकि हम लोग हमेशा नए प्रयास करने की कोशिश करते हैं, नए तरीके से तथ्यों का संग्रह करते हैं और सिर्फ सूचना नहीं देते हैं, ये महत्वपूर्ण है कि आपको काम की चीजें एक जगह मिल जाए, बहुत प्रयास न करना पड़े। तो उम्मीद करते हैं हमारे प्रयास को आप सफल करेंगे और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इसे इस महत्वपूर्ण संग्रह को शेयर करने की कोशिश करेंगे, खुद भी लाइक करेंगे और दूसरों को लाइक करने के लिए प्रेरित करेंगे। आपके इन प्रयासों से हमारा उत्साहवर्धन होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा होगा। कल मिलते हैं हम लोग एक इसी संदर्भ से रिलेटेड नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए